यही साधन सर्वोपरि है, समझ में आ जाए बस। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्कर। केचित, केचित बहुतों के मध्य किसी एक का निर्धारण करने के लिए केचित शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाबा ज्ञान में, कर्म में, तपस्या में, योग में, व्रतों में सबका विश्वास होता है, पर सीधा साधा सरल जो भगवत शरणागति का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, पुष्टि का मार्ग है, कृपा का मार्ग है, उसमें जीव को विश्वास ही नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए कुछ एक भाग्यशाली पुरुष ऐसे होते हैं जिनका भगवत शरणागति में, भगवत भक्ति में विश्वास होता है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। केवलया भक्त्या, केवलया भक्त्या का अर्थ क्या है? विशुद्धया भक्त्या, ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं, ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं, मिलावटी भक्ति नहीं, एकदम चोखा खरा सौदा। ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं, कर्म मिश्रा भक्ति भी नहीं, विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। कौन सी भक्ति? जिसको श्री आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य जी निर्गुणा भक्ति कह रहे हैं, और तृतीय स्कंध में कपिलोपाख्यान के प्रकरण में निर्गुणा भक्ति का जहां व्याख्यान श्री महाप्रभु जी ने किया है सुबोधनी जी में, उस प्रकरण को देख लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं निर्गुणा भक्ति क्या है, गुणातीत भक्ति क्या है, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति क्या है। मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसों बुधौ। यह है रसरूपा भक्ति, यह है विशुद्धा भक्ति, यह है केवलया भक्ति। मद गुण श्रुति मात्रेण, आहा, जैसे ही ठाकुर जी का पवित्र नाम कान में पड़ा, ठाकुर जी का पवित्र चरित्र कान में पड़ा, अब शरीर में रोमांच हो गया, हृदय भराया, कंठ भराया, और अब उतना प्रेम में विभोर हो गया कि मनोगति रवि छिन्ना, यह है पूर्ण निरोध, ये निरोध है। मनोगति रवि छिन्ना यथा गंगाम्भसों बुधौ, यथा गंगा, गंगा जी हिमालय से निकलती है, गोमुख गए हैं, अभी पूज्य हनुमान जी वाले बाबा कह रहे थे कि हम गोमुख गए, वहां भी कमंडल भर के नहाया, स्नान किया, गोता लगाया। कितनी है गंगा जी की धार गोमुख में, कितनी चौड़ी है?
बस इतनी चौड़ी, ज्यादा चौड़ी नहीं। अब बीच में कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, सारे पहाड़ों को रौंदती कुचलती हुई गंगा जी रास्ता बनाती वही चली आई। और रास्ते में वाहन में बैठकर नीचे झांको तो गंगा जी लकीर जैसी दिखती हैं, सैकड़ों मीटर नीचे। धोखे से कहीं स्टेयरिंग इधर उधर हो गई तो वहां से कोई निकालने वाला भी नहीं है। तो पहले गंगा जी तो ऊपर बहती होंगी, वो काटते 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 पहाड़ को इतने नीचे तक गंगा जी चली गई। कोई पर्वत उस उनके मार्ग को रोक नहीं पाया। और गंगा जी गोमुख में जो इतनी, गंगोत्री में उससे चौगुनी, और जितना नीचे उतरती चली गई गंगा जी बढ़ती चली गई। और जब गंगा सागर में पहुंची, सागर में गंगा जी मिली तो कितनी विशाल हो गई। अपने राम पहली बार जब गंगा सागर गए तो जहां से एक सज्जन थे जो हमको ले गए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी यहाँ के बाद अब गंगा जी का दर्शन नहीं, पर गंगा जी समुद्र में मिल जाएंगे, आखिरी गंगा जी का दर्शन। तो जैसी गाड़ी से खड़े हुए तो हमने कहा कि समुद्र आ गया, कि बोले समुद्र नहीं है गंगा जी है। कितना पार्ट है गंगा जी का बाबा, उस व्यक्ति ने बताई 45 किलोमीटर चौड़ा पार्ट, चौड़ाई गंगा जी की इतनी। बोले 45 से 50 किलोमीटर चौड़ा पार्ट है, वहां दिखे नहीं, वहां 50 किलोमीटर तक थोड़ी किसी को दिखता है, पानी 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 पानी। और जब गंगा सागर पहुंचे बड़ी प्रसन्नता हुई, तो वहां कई लोगों से पूछा कि इनमें गंगा जी किधर से आई, समुद्र किधर है, बताओ तो सही, गंगा जी देखें कहाँ है गंगा जी। अरे बोले बाबा यही गंगा सागर है, यहाँ ये निर्णय कर पाना कठिन है इनमें गंगा कौन है और इनमें समुद्र कौन है। ऐसी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, कृष्ण प्रेम की, विशुद्ध प्रेम की धारा हृदय से निकले फिर कोई प्रतिबंधक उसे रोक न पावे, सारे विघ्नों को रौंदती ही कुचलती हुई प्रेम की रसधारा घटे नहीं, निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। और प्रेम के अथाह समुद्र श्री कृष्ण हैं, उन श्री कृष्ण में जाकर अपनी प्रीति की धारा मिल जाए, और ऐसे मिल जाए कि फिर यह निर्णय कर पाना कठिन हो जाए, लाल प्रिया में रही न चिन्हारी, ये निर्णय कर पाना कठिन हो जाए कि इसमें समुद्र कौन है और गंगा कौन है। इसको कहते केवल या भक्त्या। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।